IVM. हेलो दोस्तों, IVM पॉडकास्ट को 7 साल होने जा रहे हैं। मैं भी इससे पिछले 1 साल से जुड़ा हूं एक ट्रेवल शो टेढ़े मेढ़े रास्ते के साथ, और IVM की टीम के साथ अब तक की मेरी यात्रा बहुत ही जबरदस्त रही है और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं आने वाले अगले 7 वर्षों का, और देखना चाहता हूं कि उसमें और क्या क्या नया होने वाला है। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आप कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम भारतीयों की एक बड़ी खास बात है, अगर हम गांव या छोटे शहर में रहते हैं तो हमें फोटो खिंचवाने से कोई परहेज नहीं है। हम शायद इस मामले में दुनिया के सबसे खुले दिमाग के लोग हैं। यूरोप हो या अमेरिका, हांगकांग हो या तुर्की, कहीं भी आप लोगों का फोटो खींचें तो हो सकता है ज्यादातर वो इशारे से मना कर देंगे, कई बार लड़ने पर भी आमादा हो जाएंगे। यूरोप में तो लोगों के खींचे हुए फोटो को छापने को लेकर कानून वगैरह भी बने हुए हैं। खैर, उसे छोड़कर हम आते हैं अपने विषय भारतीयों के फोटो खिंचवाने के प्रेम पर। देश भर में अलग अलग जगह फोटो खींचने के कारण मुझे एक पैटर्न दिखाई देने लगा है। बिल्कुल अनजान लोग आपसे मिलेंगे और कहेंगे, मेरी एक फोटो खींच दो। जैसे राजस्थान के एक गडेरिए ने पुष्कर में अपनी फोटो खिंचवाने की जिद पकड़ ली। मैंने फोटो खींची तो वो फोटो खिंचवाने के बाद चलते हुए यह कहता चला गया कि मुझे एक फोटो भेजना जरूर। मैंने पता पूछने की कोशिश की तो उसने जवाब नहीं दिया और मेरे बार बार पूछने पर बोला, जैसलमेर के महाना गांव में भेज देना। ऐसा कहने वाला वो अकेला नहीं था। बहुत से लोग फोटो जरूर भेजना कहकर फोटो तो खिंचवाते हैं लेकिन कभी अपना पता या फोन नंबर नहीं देते। फोटो खिंचवाने के साथ साथ भारतीय पोज करने में भी बहुत माहिर होते हैं। मुझे याद है कि मैं हिमाचल में गद्दी आदिवासियों के बीच था, उनके बच्चे खेल रहे थे। मैंने उनसे कहा, आओ तुम्हारी फोटो खींचते हैं, तो वो शर्माते हुए आए और कैमरे के सामने आकर खड़े हो गए। मैंने उनकी फोटो खींची और फिर स्क्रीन में उन्हें उनकी फोटो दिखाई तो उतने छोटे बच्चे भी बोलने लगे, नहीं नहीं इसमें हम अच्छे नहीं लग रहे, और सब भाग कर गए, पानी से मुंह धोकर आ गए और बोले, एक और फोटो खींचो। मैंने दूसरा फोटो खींचा, उनको दिखाया और फिर वो तीनों मेरी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराने लगे जैसे कह रहे हो, हां अब सब ठीक है। ऐसे ही लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर मैं फोटो खींच रहा था तो 8-10 बच्चे जो 6-7 साल से लेकर 18 साल की उम्र के थे वो मेरे आसपास मंडराने लगे। मेरी समझ में आ गया कि वो फोटो खिंचवाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा, चलो आओ तुम्हारी फोटो खींचते हैं। इतना सुनना था कि सब के सब खिल उठे और 1 मिनट में आए कहकर गायब हो गए। जितनी जल्दी गायब हुए थे उतनी ही जल्दी सब वापस आ भी गए। अब मैंने देखा जो युवा थे उनके बाल कढ़े हुए थे और कुछ ने आंख में सुरमा भी लगाया हुआ था। सब एक ग्रुप में खड़े हो गए और मैंने कैमरा उठाया तो उनमें एक लड़की की आवाज सुनाई दी, सब लोग हंसना, ठीक है फोटो अच्छी आएगी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। बच्चों तक को फोटो खिंचवाने की समझ कहां से और कैसे पैदा हुई मैं खुद ही हैरान था। लेकिन पोज करने के मामले में अखाड़ों के बाबाओं की कोई बराबरी नहीं है। हर 4 साल पर वो कुंभ में आते हैं और फोटो खिंचवाने में वो उतने ही निष्णात हैं जितनी की मुंबई की मॉडल्स। वो आपसे पूछते हैं, चिलम फूंकते हुए फोटो खिंचवानी है या मुस्कुराते हुए या कोई और करतब करते हुए।
मैं जिस अखाड़े के साथ था उसमें मैंने हर बाबा को एक अलग पोज की मांग की और उन्होंने खुशी खुशी उसे पूरा किया। इन लोगों को अपना फोटो मांगने की कोई चाह नहीं होती, ज्यादातर बस आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। उनके बीच ये बात खूब होती है, अरे मेरे तो सैकड़ों फोटो खींचे हुए हैं और वो भी विदेशियों ने खींचे हैं। एक बात और बहुत खास है कि महिलाएं कैमरे की ताकत को स्वभावतः पुरुषों से बेहतर समझती हैं। उसके सामने चलना, बैठना, उठना और कैमरे को देखना, सब कुछ उन्हें आप ही आप समझ में आता है। जैसे राजस्थान के एक गांव में मैं फोटो खींच रहा था, वहां एक लड़की अपनी कमर पर हाथ रखकर घर की ड्योढ़ी का सहारा लिए खड़ी हुई थी। मैं उसका फोटो खींचने लगा, उसने देख लिया लेकिन वो घबराई नहीं और ना ही अपनी जगह से हिली। उसे पता था कि यही पोज मैं खींचना चाहता था। अब इस जगह कोई आदमी होता तो या तो सीधा खड़ा हो जाता या उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती। लेकिन एक व्यक्ति के फोटो खींचने का सबसे यादगार किस्सा आमेर के किले पर घटा। एक महिला अपनी दुकान सजा रही थी, जैसे ही उसने मुझे देखा तो इशारे से कहा रुको। मैं रुक गया। इसके बाद अगले 15 मिनट उसने अपनी दुकान सजाई, फिर उसके बीच में बैठकर अपने पल्लू से घूंघट काढ़ा और घूंघट आधा मुंह में दबाकर इशारा किया अब खींचो। मैंने फोटो खींचा और सोचता रहा एक साधारण सा फोटो खिंचवाने के लिए इस महिला ने जितना जतन किया उतना तो कोई मॉडल रैंप वॉक के लिए नहीं करती। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि घूमने का मजा तो साथ चलने में ही है। Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storysellers, the Neet talks to Chavi and Mohit, the couple behind Shitty Ideas Trending, about their creator journey. On Big Talks about Tiny Human, Meghna and Devi Shobha share strategies on how to deal with difficult behaviors of strong-willed children. On Pulia Basi, Pranay and Saurabh discuss why Indian students go abroad in large numbers for an MBBS degree. On Probation Se Promotion Tak, Abhinav tells us the benefits of self-marketing through writing for public forums. And on The Life Manifesto, Zarina discusses red flags, how we can identify them, and how we can deal with them. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really helps us. Don't forget to rate us on any of the platforms that you're listening to. And also remember, you can check us out on YouTube at www.ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं, क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो, मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।